मुंबई यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा बेसिकली, और ये क्या सबमिट करना जरूरी है? तो ऐसे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है? तो हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में अभी भी अंडर ग्रेजुएट जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना कंपलसरी है। ऐसे नंबर ऑफ द कॉलेजेस यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म मांग रहे हैं बच्चों से, ठीक है, जो कि ये आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। नेक्स्ट थिंग, ऐसे बहुत सारे जो कॉलेजेस है जिसको मुंबई यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं चाहिए, तो वो बच्चे अपना डायरेक्टली फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ द कॉलेजेस, ठीक है, जितने भी मुझे कमेंट आए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट आए हैं, ठीक है, वहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा और ये होता कहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है मुंबई यूनिवर्सिटी का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग मैं बता दूं कि ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि आपका नाम लिखना है फर्स्ट, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कि आपके मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट फॉर्म जो आपने फिल किया हुआ है उसका ही मोबाइल नंबर, उसका ही ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, मतलब आपने जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जो आपके फॉर्म में ईमेल आईडी और नंबर से वहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ, हियर बाय द डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन द एडमिशन फॉर्म इज करेक्ट, आई एम कंफर्मिंग माई एडमिशन फॉर कोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सेस लिखना है आपको, आपका जो भी कोर्सेज होगा एट कॉलेज, आपको कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे देखिए फॉर द एकेडमिक ईयर, यहाँ पे बेसिकली 2021 और 2022 का है, तो इसको आपको कट कर देना है, ठीक है, इसको कट करके यहाँ पे आपका एकेडमिक ईयर लिखना है 2023-24 एंड 2025 का, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखना है आपको, पेन से लिखना है आपको। और फिर बाय रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द मुंबई यूनिवर्सिटी डिजिटल पोर्टल इज, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, प्री एनरोलमेंट फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो यहाँ पे आपको लिखना है, आई आई एग्री दैट, ठीक है, आगे का सेम ऐसे ही रहेगा। देन इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका डेट आएगा, ठीक है, जब भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, फिर प्लेस में मुंबई आएगा और आपका सिग्नेचर आएगा यहाँ पे, ठीक है। डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स गार्डियन, तो यहाँ पे पेरेंट्स का नाम लिखना है, ठीक है, फादर मदर और गार्डियन जो भी है यहाँ पे टिक कर लेना है, फिर यहाँ पे सेम डेट डालना है आपको, प्लेस डालना है एंड साइन डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, इसमें पेरेंट्स का ही साइन लगेगा। तो ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा, राइट। इसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ में आप इसका डाउनलोड कर लीजिए और इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद इसका दो कॉपी तो जेरोक्स ले लीजिए, अगर आपको फॉर्म फिल करते समय कहीं पे भी गलती हो गई तो फिर आप दोबारा प्रिंट आउट लोगे, राइट। तो इससे अच्छा प्रिंट आउट ले रहे हो तो साथ में दो कॉपी आप इसका जेरोक्स कॉपी ले लो, ठीक है, अगर कहीं पे भी रॉन्ग होता है तो आप दूसरे फॉर्म को फिर से अच्छे तरीके से फिल कर सकते हो। वैसे तो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों से गलती हो रही है, जैसे कि मैंने वीडियोस बनाए थे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जिसमें आपके यूजी जो एडमिशन है उसमें फॉर्म किस तरीके से भरना है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने एकदम डिटेलिंग में डिस्कस किया था, फिर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे कि वहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर ही रहे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फिर भी आप एक या दो कॉपी एक्स्ट्रा लेके रखिए ताकि आप उस फॉर्म को सही तरीके से फिल कर दीजिए, और इसको कट करके, ठीक है, रेड पेन से नहीं करना, ठीक है, ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन से यहाँ पे कर सकते हो आप, इसको कट करके, ठीक है, एक दो लाइन कट करना है, पूरा मेकअप नहीं कर देना इसका, राइट। ऐसा एक दो लाइन कट किया, उसके ऊपर लिखना 2023 सॉरी 24-25, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ईयर्स आ जाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है मुंबई यूनिवर्सिटी का। तो आई होप कि जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो ये यहाँ से ही मिलेगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो हो गया आपका डिक्लेरेशन। नेक्स्ट थिंग कि ये फॉर्म क्या सबमिट करना कंपलसरी है कॉलेज में? तो देखिए, जब आपका कॉलेज बोल रहा है कि आपको ये एप्लीकेशन चाहिए, मतलब आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है या अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना है मुंबई यूनिवर्सिटी का, तभी आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, अदरवाइज आपको ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है। ये बहुत सारे कॉलेज में कंपलसरी है, तो जिस कॉलेज में ये कंपलसरी है उसी कॉलेज में ये आपको सबमिट करना है, अदरवाइज ये आपको सबमिट नहीं करना है, ठीक है। जब तक आपके कॉलेज आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, तब तक आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है जो मुंबई जो कॉलेज के जो एडमिशन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हो। जैसे कि आपके डिक्लेरेशन जो फॉर्म्स है, ठीक है, वो बहुत सारे कॉलेजेस इसका डिमांड कर रहे हैं, तो दैट इज में आप उस कॉलेज में सबमिट कर दीजिए अगर आपने उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो, और जिस कॉलेज में इसका कोई भी डिमांड नहीं है वहाँ पे ये आपको सबमिट करना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म बता दिया, कंपलसरी बता दिया, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे बस इतने इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको ये ईयर खुद से करना है, इसका प्रिंट आउट लेके, ठीक
और इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।